चलो मैम के घर पे चलो चलो वी होप मैम को सरप्राइज अच्छा लगेगा yeah! चलो रुको 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 क्या हुआ कोरोना अपडेट आया है पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। नो 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 सही मैम। हाँ सर। वॉल डेकोरेशन के लिए आपके पास कुछ है? हाँ रिबन है, मैं लाती हूँ। सॉरी मैम। हाँ मैम, मुझे ये रिबन चाहिए डेकोरेशन के लिए। अरे रुको, क्यों? ये रिबन डांस के लिए है, मैं आपको डेकोरेशन वाले देती हूँ। ओके। ये लो सर। सिद्धि मैम। हाँ सर। मुझे बर्थडे बैनर चाहिए। हाँ लेके आती हूँ। कहाँ रखा होगा? रुचि मैम, क्या हुआ? जल्दी बोलो, बर्थडे बैनर कहाँ रखा है? मुझे नहीं पता। अभी उठ गए हो तो दे दो ना बर्थडे बैनर। मैं उठी नहीं हूँ, आपने मुझे उठाया है, अब आप ही ढूंढो। जल्दी बोलो, केटी सर को चाहिए। वहाँ ड्रॉअर में रखा है। थैंक यू। कश्मीरा मैम। हाँ सर। मुझे बलून चाहिए। हाँ सर, मैं लेके आती हूँ। ये लो सर। अरे इसमें हवा भर के तो दो। ओके सर, रुपा मैम को पता होगा। रुपा मैम। हाँ मैम। आपने वो हवा भरने का पंप देखा है? हाँ, टीवी के बाजू में रखा है। हाँ सब कुछ हो गया, अब मुझे केक चाहिए। चलो मैम। हाँ सर। केक रेडी है? हाँ सर, पूछ के बताती हूँ। मान्य मैम। कहाँ चले गए? अनिया मैम, कॉल करके पूछती हूँ। हेलो मान्या मैम, कहाँ पे हो आप? मैं तो ऊपर हूँ मैम। अच्छा केक रेडी है? जल्दी वो ओवन में से केक निकालिए। हाँ मैं भूल ही गई, सॉरी, जल्दी निकालिए। हाँ 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 रेडी है। थैंक यू। गुडी मैम, कैंडल कहाँ रखी है? आशीष सर, मैंने जानवी उनके पास लिखा था, मैं अभी लेके आती हूँ। मैम। हाँ मैम। आपको पता है कैंडल कहाँ रखी है? हाँ मेरे पास है, बैग में रखी है। केटी सर कब से ढूंढ रहे हैं इसको? केटी सर, ये लीजिए सर, कैंडल मिल गई। थैंक यू। अरे कैंडल जलाने के लिए मैच बॉक्स भी तो चाहिए। अरे हाँ सर सर, जस्ट मिनट में लेके आती हूँ। अरे कहाँ रखा होगा? मुझे पता था मैच बॉक्स भूल जाओगे, मैं केटी सर को लेके आती हूँ। ये लो सर मैच बॉक्स। पारा सर। यस सर। नाइफ प्लीज। नाइफ सर मैंने किचन में रखा था, अभी लेकर आता।
अरे यहाँ पर तो रखा था मैंने, कहाँ गया? शायद कृषि मैम ने लिया होगा। ओ कृषि मैम। हाँ सर। आपने नाइफ देखा कहीं पे? कौन सा, ये वाला? अरे ये आप क्या कर रहे हो, ये केक कटिंग के लिए चाहिए, लाओ इधर। मुझे क्या पता। तो सर थैंक यू। मानसी जी। हाँ बोलो सर। वो मैम का बर्थडे क्राउन कहाँ रखा है? ओके सर मैं लेकर आती हूँ। अरे प्रीति मैम आपने बर्थडे क्राउन देखा है? बर्थडे क्राउन हम लाए थे क्या? हाँ पक्का लाए थे। चलो ढूंढते। श्यामा उनको पता होगा। श्यामा मैम। हाँ मैम। आपने बर्थडे क्राउन देखा है क्या? वो चाहिए। केटी सर को चाहिए। हाँ मैं उनको दे देती हूँ। वेट। बर्थडे ग्राउंड के साथ बर्थडे सेश भी है। ओके गुड। सर बलून रेडी है। सब कुछ रेडी है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, केक शेक है तो फिर बुलाओ जी, ऐसे ही तुम बुढ़े होते रहोगे, हमको उससे क्या मतलब बताओ जी। हैप्पी बर्थडे टू यू हाँ जी, तो इस पे इतने खुश क्यों हो ऐ भाई, तुम तो बरसों पहले ही निकल चुके हो, तो बर्थडे वाला नाटक ये क्यों है भाई? कैंडल शैंडल भूख से बुझा के, बेसुरों की भीड़ फालतू में लगवा के, बर्थडे वाला सॉन्ग जोर जोर से गवाते हो, हमसे ताली शाली का हजाम मत करवाते हो, ये सब नौटंकी फिर भी चलो झेल ले, केक शेक और स्टार्टर्स भर भर के आए प्लेट में, घर जाके फिर से डिनर न मंगवाना हो, चूहे ना दौड़े पेट में रात के पौने दो। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, सोच समझ के इनवाइट भिजवाओ जी, अगर पेट पूजा का फुल इंतजाम है तो ही न्योता कंसीडर करेंगे जी। हैप्पी बर्थडे टू यू कह दिया है जी। थैंक यू सो मच टीडीएस फैमिली, और मेरी सोशल मीडिया पे जितने भी एक्टिव फॉलोअर्स हैं उनको स्पेशल थैंक कहना चाहूँगी। ये आप लोगों ने ध्यान से देखा, वीडियो वापस से रिवाइंड करके देखिए, ये जितना भी शूट हुआ था एक्चुअली दिस इज़ द बिगेस्ट सरप्राइज फॉर मी कि सेम थिंग बहुत अच्छे से चल रहा था, जनवरी फरवरी मार्च अच्छे गया और सडनली वापस से कर्फ्यू लग गया सूरत में, तो कैसे करना है। और मैं थोड़ी सिस्टम में बिलीव करने वाली हूँ, तो मैं सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के जितने भी प्रिकॉशंस है उसमें मानती थी। सो मेरी टीम ने ये जो सरप्राइज़ दी, आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा कि ये पूरे बर्थडे सरप्राइज़ के दौरान उन्होंने अपने घर में डिफरेंटली शूट किया, देन उसको कंपाइल किया, और वो जो हैप्पीनेस है वो शायद वही हैप्पीनेस है कि जहाँ पे हम सब लोग इकट्ठा मिलके जो एंजॉय करते हैं, और ये पूरा वीडियो देखने के बाद मेरे चेहरे पे वही स्माइल थी। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपके घर में कोई भी बर्थडे आ रही है या एनिवर्सरी आ रही है, कोई भी चीज़ है, आप डिफरेंटली एंजॉय कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, बट घर पे रह के कीजिए। और ये सारी मेंटल ओके देखेंगे हो जाएगा तब, नहीं जब आप चले जाएंगे ना तो आपके साथ रहने वाले लोगों की क्या हालत होगी वो आपको पता नहीं है। सो आई रियली रिक्वेस्ट यू ऑल, अभी जो सिचुएशन क्रूशियली चल रही है थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा धीरज रखिए और क्रिएटिव माइंड कीजिए। अगर कहीं पे भी आपको ज़रूरत है, नीचे हमारा नंबर लिखा हुआ है, हम आपके साथ आइडिया शेयर करेंगे। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, और स्टे एट होम, स्टे सेफ, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए।